ये देखो कैसी लग रही है ये सारी पेंटिंग, लग रही है ना कितनी मस्त। और दीवारों पर सजाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो इन्हें बनाना भी सीखना है, तो उससे पहले मेरे चैनल को कर दो लाइक और कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी और बेल आइकन भी ऑन कर देना। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट नाउ। और अगर आप नए हो तो पक्का लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हमारी फर्स्ट पेंटिंग है ये यूनिकॉर्न पेंटिंग, और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए आपको चाहिए एक शीट और एक प्लास्टिक शीट और कुछ स्केच पेन, और फिर उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ डार्क ब्लू कलर का और पिंक कलर का और पर्पल कलर का स्केच। उसके बाद मेजर कर लेना है और फिर साइड में कुछ इस तरीके से आपको ब्लू कलर फिल कर देना है, और उसके बाद थोड़े साइड में पिंक और नीचे की साइड पर ब्लू कलर को अच्छे से लगा देना है। और उसके बाद हम करेंगे अपनी शीट पर प्लास्टिक की, उस पर पानी लगा लेंगे ताकि वो हमारे पेपर पर अच्छे से आ जाए उसका कलर, और अपने पेपर पर भी थोड़ा पानी लगा लेंगे। प्लास्टिक शीट को पूरा कर लेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ब्रश में पानी डिप करना है और उसके बाद उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है प्लास्टिक शीट पर। और हाँ, अपनी पेपर शीट पर भी अच्छे से पानी लगा लीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर, पेपर के ऊपर इस प्लास्टिक शीट को अच्छे से दबा देंगे, फिर जो बैकग्राउंड मिलने वाला है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा मिलेगा। देनी है कॉटन बर्ड और वाइट कलर, और उससे हमें बनाने हैं कुछ इस तरीके से क्लाउड्स, और क्लाउड्स बना लेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है हमारी ड्राइंग। अब लेंगे हम ब्लैक कलर, और मैं यहाँ पर एक्रीलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब ब्लैक कलर को हम नीचे अच्छे से लगा लेंगे और कुछ घासों के लिए, और फिर बना देंगे थोड़ी सी घास। अब लेना है व्हाइट कलर और उसको अच्छे से कर देना है इसके ऊपर, अच्छे से स्प्रेड कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो बड़े बड़े डॉट्स होंगे उनका बना देना है स्टार कुछ पेंसिल से इस तरीके से। अब बनाना है एक प्यारा सा यूनिकॉर्न, और इसको बहुत ध्यान से बनाना है क्योंकि यूनिकॉर्न के ऊपर ही तो है पूरी पेंटिंग मेन। और इसको बना लेंगे, उसके बाद जो पेंटिंग मिलेगी वो मिलेगी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और प्रिटी। तो हमारा यूनिकॉर्न बनके तैयार हो गया। अब हमें व्हाइट कलर लेना है और फिर उसको अंडरलाइन कर देना है अच्छे से हाईलाइट। उसके बाद हमारी पेंटिंग रेडी, और उसको सजाओ फिर अपनी वॉल पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो देखो लग रही है कि हमने स्केच पेन से बनाई है, तो अब तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो इसके लिए। अब नेक्स्ट पेंटिंग के लिए हमें लेना है एक शीट और थोड़ा सा रेड कलर, और उसे अपने आधे से ज़्यादा शीट पर स्प्रेड कर देना है, और नीचे के लिए लेना है ऑरेंज कलर जैसा मैं कर रही हूँ, इसी स्टेप को फॉलो करना है। और हाँ, अब सूखा ड्राई ब्रश का यूज़ मत करना, उस पहले अपने ब्रश को थोड़ा वाटर में डिप कर लेना जिससे कि आसानी हो ब्लेंडिंग में। के बाद मैंने दोनों को ब्लेंड करने के लिए लिया है थोड़ा लेमन येलो कलर, और बीच में थोड़ा इस तरीके से लगाया है और अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। थोड़ा पानी की हेल्प से भी मैंने पर्पल कलर से ब्लेंड कर दिया है, कुछ इस तरीके से एक बहुत प्यारा सा ट्री बना लेना है।
और थोड़ा वाइट कलर लेकर के भी हम इसके ऊपर डैब डैब करके कर देंगे। मैंने थोड़ा ग्रीन भी लिया है जिससे कि वो बहुत कलरफुल ट्री लग रहा है। अब थोड़ा सा ब्राउन कलर लेना है और अपनी ट्री को कर देना है कंप्लीट कुछ इस तरीके से। और नीचे भी तो थोड़ी पत्तियां गिरानी है ना, तो उसको भी ठीक वैसे ही कॉटन बड से नीचे भी अच्छे से गिरा देना। लो हो गई रेडी। अब इस नेक्स्ट हैक के लिए भी हमें चाहिए कुछ प्लास्टिक शीट इस तरीके की, और उस पर हम पानी स्प्रेड कर लेंगे, और एक शीट चाहिए, और उसके बाद कुछ इस तरीके से पानी स्प्रेड करने के बाद हम लेंगे अपने फेवरेट कलर्स और उसके बाद उस प्लास्टिक शीट पर करेंगे डैब डैब कुछ इस तरीके से। करने के बाद आपको लेना है अपना पेपर शीट और उसके ऊपर अच्छे से उसको प्रेस कर देना है, और फिर जो बैकग्राउंड मिलेगा ना वो एकदम होली स्टाइल। और आप कर सकते हो इस पेंटिंग को गिफ्ट अपने फ्रेंड को किसी होली पर, बट मैंने लाइक लिखा है, मुझे लगता है लाइक करना भूल गए हो, तो लाइक कर दो। अब इस नेक्स्ट अमेजिंग लीफ पेंटिंग के लिए हमें एक प्यारी सी लीफ ड्रॉ कर लेनी है। आपको जैसी भी चाहिए, मैंने ऐसी ड्रॉ करी, आप ऐसी भी कर सकते हो। और फिर लेना है डार्क ब्लू कलर और उसको पूरी लीफ पर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। कलर यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब लेना है व्हाइट कलर और कुछ इस तरीके से बना देना है पानी। अब बनाने हैं दो प्यारे प्यारे ट्रीज, तो चलो वो बना लेते हैं ब्लैक कलर से। बनाने के बाद आपको बना लेना है एक प्यारा सा झूला कुछ इस तरीके से। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बना सकते हो बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स। तो आई होप आपको सारी पेंटिंग्स पसंद आ रही हो अब तक की। और तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब तो अब तो कर दो, अब तो आप बिल्कुल एंड तक आ ही चुके हो, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी। हमने बना लिया है व्हाइट कलर से एक प्यारा सा चांद भी। रियल के लिए मैंने आसपास में थोड़ा सा वाइट कलर और लगा दिया, अब भी लगा देना। और अब उसकी नीचे हम ले रहे हैं थोड़ा ब्राउन कलर और उसको अच्छे से नीचे हम थोड़ा वाइट कलर मिलाने से आएगा थोड़ा रियल लुक। लो हो गई रेडी। आखिर ये पेंटिंग भी आपकी दीवार पे सच के बहुत प्यारा लुक देने वाली है। ये देखो सारी पेंटिंग्स। अब जल्दी से अपने दीवारों को सजाओ और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। सारी पेंटिंग्स में बहुत मेहनत लगी है बनाने में इन्हें। बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।